हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस इलेक्ट्रिक बाइसिकल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इसमें जो मैंने 12 वोल्ट 7 एम्पीयर का दो लीड एसिड बैटरी लगाया था तो ये अभी पूरी तरह से ख़राब हो गया है। मतलब इससे हमें काफ़ी कम बैकअप मिल रहा है, इसलिए ये साइकिल हमें काफ़ी कम माइलेज दे पा रहा है। तो अभी मैंने इसे फुल चार्ज करके कुछ दूर चलाया है और इसका क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा लीव गार्ड का 12 वोल्ट 7 एम्पीयर का लीड एसिड बैटरी। तो अभी मैंने इस साइकिल को लगभग 1 किलोमीटर तक चलाया है, उसके बाद का कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं थ्रोटल को पूरा मूव कर रहा हूँ और ये आप साइकिल का स्पीड देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम मोटर घूम पा रहा है। यहाँ पर मैंने एक्सीलेटर को पूरा घुमा दिया है, फिर भी मोटर काफ़ी स्लो घूम रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा बैटरी का बैकअप पूरा कम हुआ है तो ये अभी गारंटी पीरियड में है, क्योंकि इसे मैंने जब साइकिल 5 महीने पहले बना रहा था उस टाइम पे लगाया था। तो आज 16 जनवरी है और 23 अगस्त को मैंने ये दोनों बैटरीज़ परचेज़ की थी, तो अभी हमारे पास 7 दिन का गारंटी बचा हुआ है। तो अभी मैं इन दोनों बैटरीज़ को रिप्लेस करवाने का ट्राई करूँगा, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि अगर हम इन UPS बैटरी को ई बाइक में यूज़ करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक साइकिल का मोटर होता है वो इसके एम्पियर को काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण ये बैटरी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये पूछा भी था कि अगर हम लीड एसिड बैटरी को इलेक्ट्रिक साइकिल में यूज़ करेंगे और 4-5 महीने बाद ख़राब हो जाती है तो हम उसे गारंटी पीरियड के अंदर रिप्लेस करवा के नई बैटरी फिर से लगवा लेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कि ये बैटरी रिप्लेस हो पाएगा या नहीं, और अगर रिप्लेस होता है तो क्या क्या प्रोसेस है। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मैं बैटरी को शॉप पे लेके जाता हूँ। 2000 years later। तो अभी आपने वीडियो का जितना भी पार्ट देखा वो आज से 8 दिन पहले शूट हुआ था और ये उसका नेक्स्ट पार्ट है जो आज 24 जनवरी संडे को शूट हो रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप ये 12 वोल्ट 7 एम्पीयर का लीड एसिड बैटरी गारंटी पीरियड में रिप्लेस करवाने जाएंगे तो कितना घुमाया जाता है और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। तो सबसे पहले हम 16 जनवरी को दोनों बैटरी शॉप पे लेके गए जहां से इसे परचेज़ किए थे। तो वहां उन्होंने सिंपली मल्टीमीटर से इसका वोल्ट और एम्पीयर ये सब चेक किया तो वो बोले कि एक बैटरी का परफॉर्मेंस तो ठीक दिखा रहा है, दूसरा बैटरी थोड़ा डल है तो उसे हम रिप्लेस करेंगे, दोनों बैटरी रिप्लेस नहीं हो सकता है। वो और भी बताया कि इस कंपनी का इंजीनियर आएगा, वो इसको चेक करेगा, अगर तब बैटरी ख़राब निकलता है तो आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा, नहीं तो आपको यही बैटरी यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर हम उस दिन घर आ गए। हम 3 दिन बाद 19 जनवरी को उनके पास गए तो वो बोले कि अभी तक इंजीनियर नहीं आया है, सो 1-2 दिन बाद आएगा। तो फिर हम 22 जनवरी को उनके पास दोबारा गए क्योंकि 23 जनवरी को इसका गारंटी ख़त्म होने वाला था। तो फिर उस दिन वो हमको बताया कि लीव गार्ड का होम सर्विस रहता है तो आपको पहले कंप्लेन रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसके बाद इंजीनियर घर पे आके चेक करेगा। तो फिर हम तुरंत घर पे आए, कंप्लेन रजिस्टर करवाए और फिर इसका सर्विस सच में फास्ट था। 2 घंटे तुरंत बाद हमको रिस्पांस आता है, अपने एरिया के कोई इस कंपनी के लोकल इंजीनियर है उनका, तो वो बोले कि आपका कंप्लेन हमको मिला है, सो क्या प्रॉब्लम है वो बताइए। तो हम उनको सब चीज़ बता दिए तो फिर वो इस बैटरी का फ़ोटो, गारंटी कार्ड का फ़ोटो और इसमें जो सीरियल नंबर यहाँ पे प्रिंट होता है उसका फ़ोटो व्हाट्सएप करने के लिए बोले तो वो सब हम सेंड कर दिए। तो फिर हम 2 घंटा बाद उनको कॉल किए तो वो बोले कि हम आपको होम सर्विस नहीं दे पाएंगे लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सो कल शॉप पे जाइएगा, वो आपको बैटरी दे देगा, हमसे बात करवा दीजिएगा। तो फिर हम नेक्स्ट डे तुरंत शॉप पे गए, उनसे बात करवाए तो वो जो शॉपकीपर थे वो बोले कि हमको पहले कंपनी का अप्रूवल दिखाइए कि ये बैटरी रिप्लेस होने के लिए अप्रूव हो गया तब हम बैटरी देंगे, क्योंकि इसी तरह बहुत कोई रिप्लेसमेंट ले जाता है लेकिन फिर हमको कंपनी से अप्रूवल नहीं होता है, इसलिए हमको कंपनी से बैटरी नहीं मिल पाता है। तो फिर वो अप्रूवल मेरे पास नहीं आया था तो फिर हम उनको कॉल करके बताए तो वो बोले कि अभी तुम्हारा पेंडिंग में ही दिखा रहा है स्टेटस, तो शाम तक अप्रूव होगा तो शाम तक बैटरी ले जाना। तो फिर हम शाम को उनको कॉल करके पूछे कि बैटरी अप्रूव हुआ या नहीं, तो वो हमको शाम को बताया कि आपका बैटरी रिजेक्ट हो गया है। तो फिर हम उनको पूछे कि बैटरी रिजेक्ट क्यों हो गया तो वो बोले कि इस बैटरी का गारंटी ख़त्म हो चुका है। तो हम उनको बोले कि बिल में तो 1 दिन और गारंटी अभी दिखा रहा है, सो फिर वो हमको बोले कि
कंपनी का रूल है कि बैटरी MFG डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 महीने के अंदर इशू हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारा जो बैटरी है वो 4 महीने के बाद इशू हुआ है। मतलब बैटरी पुराना था, शॉप पे पड़ा हुआ, वो तुमको मिला है। तो फिर वो बोले कि अब कंपनी इसमें कुछ नहीं कर सकता है, सो शॉप पे जाके बोलो, वही डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके तुमको बैटरी दिला सकता है। तो फिर हम नेक्स्ट डे तुरंत शॉप पे गए, उनको अपना प्रॉब्लम बताया कि कंपनी बोल रहा है कि बैटरी रिजेक्ट हो गया है। तो फिर वो हमको बोलने लगे कि बैटरी इतना जल्दी रिप्लेस नहीं होगा, सो अभी देखो 4-5 महीना से बहुत सारा बैटरी पड़ा हुआ है लेकिन वो अभी रिप्लेस नहीं हो पाया है। तो तुम भी बैटरी 4-5 महीना यहाँ रखना पड़ेगा, उसके बाद ही तुमको रिप्लेसमेंट मिलेगा। फिर हम उनको बहुत रिक्वेस्ट किए कि ये बैटरी का मुझे बहुत ज़्यादा काम है, तो आप जल्दी कर दीजिए। तो वो हमको नेक्स्ट डे बुलाए, तो फिर हम नेक्स्ट डे गए, तो हम उनको जाके बोले कि अभी मुझे बैटरी का बहुत ज़्यादा काम है, अगर आप ये बैटरी अभी रिप्लेस नहीं करेंगे तो हमको नया बैटरी परचेज़ कर लेना पड़ेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता। तो वो हमको काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर एक नया फाइनली बैटरी दे दिए, जो है ये आप देख सकते हैं, ये एकदम न्यू बैटरी है लिव गार्ड का ही, रिप्लेस होके मिला। लेकिन फिर वो इसका बिल इशू नहीं किए, मतलब वो बोले कि आपको अगर एक बैटरी का रिप्लेसमेंट मिल जाता है उसके बाद हम इसका गारंटी नहीं देंगे। तो फाइनली मुझे नया वाला बैटरी मिल तो गया, काफ़ी मुश्किल से मिला। लेकिन मैं आपको अब यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में लीड एसिड बैटरी लगाना चाहते हैं तो ना लगाएं, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप लिथियम आयन बैटरी लगाएं। यहाँ पर कुछ बातें बता और दिखा देना चाहता हूँ कि जब आप ये UPS की लीड एसिड बैटरी अपने ई बाइक में यूज़ करेंगे तो 4-5 महीने बाद इसका बैकअप तो पूरी तरह से कम हो जाता है, लेकिन जब आप इसको बाहर निकाल के फुल चार्ज करते हैं तो इसमें अच्छा खासा वोल्ट दिखा देता है। ये मेरी पुरानी बैटरी है जो ई बाइक में लगी हुई थी, तो इसे मैंने अभी फुल चार्ज किया है और ये अभी आप देखिए इसका वोल्ट, इसमें अच्छा खासा वोल्ट आ रहा है 12.7 वोल्ट का। और इसका बैकअप कम होने का मेन रीज़न इसका एम्पियर होता है, तो एम्पियर भी इसमें कम होता है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। अभी मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ, तो ये अभी 4.6 एम्पियर शो कर रहा है। तो अगर आप इसे गारंटी पीरियड के अंदर रिटर्न करवाने जाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आपके पास अगर ब्रांडेड कंपनी का बैटरी है तो आपको होम सर्विस मिलेगा जिसमें इंजीनियर आके घर पे फुल चार्ज करके बैटरी को टेस्ट करता है। तो अगर आप वहाँ पर आपको बैटरी में अच्छा वोल्ट और एम्पियर शो कर देगा तो आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा, और अगर आपके पास लोकल कंपनी का बैटरी है तो उसमें भी आपको शॉप पे ले जाके बैटरी को चेक करवाना पड़ता है, तो वहाँ पर भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा देगा तो वहाँ पर भी रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। और मैंने तो वहाँ लोकल कंपनी का बैटरी इतना उसका सर्विस ख़राब है कि मैंने कई बैटरीज़ पड़े हुए देखे जिसका रिप्लेसमेंट काफ़ी दिनों बाद मिलता है, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा इसका रिप्लेसमेंट लेने में। और अगर बात करें मुझे ये रिप्लेसमेंट मिला एक बैटरी का, तो ये भी काफ़ी मुश्किल से मिला है। तो वो जो लिव गार्ड के इंजीनियर थे उनका घर मेरे गांव से काफ़ी दूर था, तो वो हमको होम सर्विस नहीं दे पाए, इसलिए वो बोले कि शॉप पे ही ले जाके बैटरी को चेक करवाने के लिए। तो शॉप पे जाके चेक करवाए तो उस टाइम बैटरी लो था, तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब दिखाया, और जो शॉप वाले हैं वो जान पहचान के ही थे, तो उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हमको ये एक बैटरी का रिप्लेसमेंट मिल गया। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लिथियम आयन बैटरी ही लगाइए ताकि वो लंबे समय तक ई बाइक में चल सकता है। तो अभी हम ये एक नया और एक ये पुराना बैटरी अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसका एम्पियर ज़्यादा भी शो कर रहा है और इसका कम। तो अगर हम इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इससे ई बाइक चलाएँगे तो ये जो नई बैटरी है उसका भी एम्पियर ये एब्जॉर्ब करेगा, तो ये बैटरी भी जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम इस बैटरी को यूज़ नहीं करेंगे, इसको मैं कुछ दूसरे टाइम पे यूज़ करूँगा जब मेरे पास और अगर नया बैटरी अवेलेबल होता है, तो हम अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में 4 बैटरी लगा के फिर इसको यूज़ करेंगे। तो अभी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें मैं आपको काफ़ी अच्छे से लीड एसिड बैटरी को रिपेयर करके दिखाऊँगा और फिर हम उसे अपने ई बाइक में यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ई बाइक पुराने लीड एसिड बैटरी से कितना चल पाता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ई बाइक से रिलेटेड मस्त मस्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।